हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। यामी गौतम स्टारर फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसे लोग भर भर कर प्यार दे रहे हैं, तो कई लोग इसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाला फिल्म बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए चोचलागिरी है। डायरेक्टर ने भी इस पर चुप्पी तोड़कर मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन वो जानेंगे बाद में। वेल, 10 लोग 10 मुंह और 10 बातें। फिलहाल तो हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक तो ट्रेलर देख ही लिया होगा, लेकिन आपने उस ट्रेलर में कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो आइए जानते हैं टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल 370 मूवी। नंबर 1, यह फिल्म जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने और फिर मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के ऐतिहासिक फैसले पर केंद्रित है। नंबर 2, यामी गौतम इस मूवी में लीड एक्ट्रेस है, जो कि NIA अधिकारी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिकारी का किरदार निभाएंगी। नंबर 3, 1980 के दशक में रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाकर घर घर से शोहरत बटोरने वाले अरुण गोविल जी भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे, जो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन इन्हें देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, ये अरुण गोविल जी ही है। लेकिन आप इन्हें देखिए जो अमित शाह का किरदार निभा रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन है? अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो नंबर 10 में इसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 4, शाश्वत सचदेव ने इस मूवी में संगीत दिया है और अपने गानों के माध्यम से बलिदानी सैनिकों को नमन किया है। नंबर 5, इस मूवी में यामी गौतम लीड रोल पर नजर आएंगी। आप ये तो जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मूवी को यामी गौतम के पति ने ही लिखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा है, जो कि यामी गौतम के रियल लाइफ के पति है, और इसका डायरेक्शन आदित्य सुहास जामले ने किया है, जो कि द सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बेहतरीन मूवी का डायरेक्शन कर चुके हैं। नंबर 6, अब जानते हैं कि इस मूवी का बजट क्या है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक लो बजट फिल्म है, जिसका बजट 25 करोड़ है। नंबर 7, यामी गौतम के अलावा इस मूवी में आपको अरुण गोविल जी, प्रिया मणि, किरण करमरकर, इरावती जैसे कई और मशहूर एक्टर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 8, डायरेक्टर आदित्य सुहास जामले ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस मूवी की रिलीज डेट 1-2 साल पहले की थी, लेकिन एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर से डेट ना मिलने के कारण इस मूवी को डिले किया गया और फाइनली 2024 में से रिलीज किया जाएगा। नंबर 9, जब लोगों ने आर्टिकल 370 को प्रोपोगंडा बताते हुए कहा कि ये सब सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी की तरफ जाए, जिस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डायरेक्टर आदित्य ने कहा कि मैं पर्सनली और बहुत ही सीरियसली महसूस करता हूँ कि अभी जो सरकार है उन्हें इलेक्शन जीतने के लिए हमारी छोटी सी फिल्म की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे लिए राम मंदिर बनवा दिया, जो कि 500 सालों से नहीं बन पाया था, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसके बाद मुझे ये नहीं लगता कि उन्हें वोट्स के लिए हमारी फिल्मों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ऑटोमेटिक वोट्स मिलेंगे और वो जीतेंगे ही। बात तो सही है, बात में तो पॉइंट है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। नंबर 10, आपने ये मीम तो जरूर देखा ही होगा। ये उस समय की वीडियो है जब जम्मू कश्मीर के लिए अमित शाह ने पार्लियामेंट में इमोशनल होते हुए बयान दिया था। कश्मीर से धारा 370 हटाने में अमित शाह की एक अहम भूमिका थी, और इसी भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगे इस मूवी में किरण करमरकर। वेल, उनका अभिनय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है ये भी जरूर बताइएगा। एंड अगेन, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।